मैं आपका मन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, बट किस पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखा था। आज हम अध्ययन करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज राइट बट केस सेकंड व्हेन पॉइंट इज एट एक्सियल पोजीशन। अच्छा, हम एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल चुके हैं, ठीक है। क्या फार्मूला होता था अगर थोड़ा सा रिमाइंड करें तो 2kp/r³ के बराबर होता था, राइट है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिजल्ट हम पाते हैं, और यह हमारे बोर्ड एग्जाम्स सारे जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए ध्यान से समझते हैं ये क्या टॉपिक है और ये कैसा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जैसा कि हम सोचते हैं क्या है, एक डायपोल ले लेंगे, राइट है, एक प्लस क्यू का चार्ज ले लेंगे, एक माइनस क्यू का चार्ज ले लेंगे, राइट, कोई बात नहीं। चलो अब इनको लाइन ज्वाइन कर दे रहे हैं, राइट, इनको लाइन ज्वाइन कर दे रहे हैं और इनका एक सेंटर मान ले रहे हैं, दैट इज हमें पता है ये लेंथ मान सकते हैं एल है, एज वेल एज हियर एल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सियल पोजीशन क्या होती है, दिस पोजीशन मतलब इस लाइन के अलॉन्ग हम कोई पॉइंट लेंगे इस एक्सिस के अलॉन्ग, चलिए मान लेते हैं, ठीक, इस पॉइंट पी पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टारगेट हमारा यही रहता है। फॉर्मूला यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस हैं, अच्छा हमें पॉइंट चार्जेस के द्वारा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है हमें याद होना चाहिए, किसी आर डिस्टेंस पर वो कितनी होती है, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, राइट, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर के बराबर होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अब हमें पता है सेंटर लाइन से ही हम सेंटर पॉइंट से ही हर एक डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस जो पूरी हमने ली है ये पूरी, इसे अपन आर मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से पोटेंशियल ड्यू टू इस प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दोनों का समेशन करेंगे और हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेंगे, इट इज सो इजीयर प्रोसेस। अगर हमें ये बात पता है, ये बात पता है, और ये क्या है, किसी एक सिस्टम के द्वारा पोटेंशियल हमें निकालना है, हमें पता है इसके द्वारा मान लो V1 है, इसके द्वारा मान लो V2 है, तो V नेट क्या होगा, एकदम सिंपल सा समझिए। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स अदिश राशि है, इसलिए हम इसका सिंपल न्यूमेरिकल एडिशन कर सकते हैं, अगर हमें नेट निकालना होगा तो एकदम सिंपली हम इसका एडिशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कैसे करना है। तो जो हमने वी नेट निकाला, क्या हम कर सकते हैं V1 + V2, कोई शक वाली बात नहीं है, तो अपने को तो फुल प्रोसेस से चलना है, बस क्या किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा पूछता तो ये होता है, किसी एक सिस्टम के द्वारा निकालना है, आइए उसे प्रूव कर लेते हैं क्या करना है। तो जस्ट अ सिंपल फेनोमेना, लेट अस सी हाउ वी डू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, वन सेकेंड, बस एकदम सिंपली हम लिखेंगे, अगर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही ईजी होने वाला है, बहुत ही ईजी। अगर हम V1 की बात करें, V1 मींस इसके द्वारा हम, अच्छा पॉइंट चार्ज क्या है, क्यों है, और दूरी क्या होगी, यहां तक की दूरी हमें निकालनी है, मींस यहां तक की अगर यहां तक की दूरी निकालनी है तो पूरी कितनी है R, अगर उसमें से मैं L घटा दूं, मींस R माइनस L, दैट इज दैट। ओके, तो V1 पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, अच्छा क्या है चार्ज, अच्छा स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज को विद साइन रखना है, ये आपको बस याद रखना है। ओके, सो ये डिस्टेंस हुई R माइनस L, यहाँ पे R माइनस L हुई, राइट है। अब हम V2 फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, V2 क्या है, V2 मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू ऑन P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, राइट, हम ऋणावेश के द्वारा बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, तो देखते हैं, तो यहाँ से V2 की जो वैल्यू आई है वो के आपको पता है विद साइन रखना होगा, क्योंकि ये स्केलर है, इसलिए बाकी वेक्टर क्वांटिटीज में हम पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसकी डायरेक्शन हम वेक्टर वाइज सोचते हैं, डायरेक्शन के द्वारा ही उसका प्लस माइनस साइन हम डिटरमाइन करते हैं। लेट अस सी क्या करते हैं देन,
अच्छा भाई ठीक है, अब आर क्या होता है? उस बिंदु आवेश से बिंदु पी की दूरी, मींस कि जिसमें निकालना रहता है, ये पूरी डिस्टेंस। और ये पूरी डिस्टेंस क्या है, ये मतलब आर, ये देखो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है आर, और ओ से माइनस क्यू की दूरी कितनी है, यहाँ पे एल दिया गया है। तो ओवरऑल डिस्टेंस क्या हुई, ओवरऑल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर प्लस एल। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमारा दो जो मेन काम था वो हमने कर लिया है इस क्वेश्चन का। हमारा मेन टारगेट यहाँ पे यही है कि हमें नेट विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नेट विभव ज्ञात करना है। नेट विभव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बोला कि अगर वी नेट ज्ञात करना है तो के क्यू अपॉन आर प्लस मीन्स, सॉरी सिंपली लिखे, थोड़ा बड़ा इक्वेशन नहीं होगा, ऐसे लिखने Vnet is equal to V1 plus V2 लिख सकते हैं, ओके? तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है, आइए देखते हैं, ओके? ओके, सो देखते हैं Vnet की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम Vnet जो पाते हैं वो हम जान रहे हैं V1 plus V2 के तरह, हमने V1 V2 अपनी स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको याद भी होगा। आइए मैं लिखता हूँ क्या होता है। तो V1 V2 की वैल्यू राइट है, क्या कैसे लिखने वाले हैं, तो Vn पॉजिटिव चार्ज के द्वारा था तो हम जान गए इसकी वैल्यू ये आ रही थी वहीं। आप बार बार के लिखिए, 1/4πε की आदत ना डालिए, क्यों इसका, क्योंकि ये काफी बड़ा सा टर्म इन्वॉल्व रहता है और हमें कैलकुलेशन में काफी लगता है कि बहुत टफ होने वाला है, पर कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं रहता। तो हम सिंपल से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं आर प्लस एल हो गया, सिंपली हम इसे जोड़ भी सकते हैं। हाँ, हमारी ये पहली जो एजम्पशंस थी, आप अगर वहां पे भी डेरिवेशन किए होंगे तो ये बात याद रखे होंगे कि जो आपने आर लिया है इस इज मच मच ग्रेटर देन एल, ये एजम्पशन हमेशा लीजिए, ठीक है। आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते होंगे ना तो आपने देखा होगा बिंदु जो है सेंटीमीटर या मीटर में रखा रहता है, बल्कि जबकि जो डायपोल्स मतलब ये दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, ये दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से हम 2L लिख रहे हैं, वो काफी स्मॉल होने वाली रहती है, काफी स्मॉल होती है। सो देखते हैं क्या आने वाला है रिजल्ट, एकदम सिंपल होगा, कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं है, क्योंकि वो आप कॉमन ले सकते हैं, ओके? जब आप कॉमन लेंगे तो ये पूरे सॉल्व करना होगा। तो R प्लस एल, आर माइनस एल, एल ने एल को मार दिया, 2R आ गया, राइट है, राइट, ओके। अब इसको कर लेते हैं, समझ में आई बात, ओके? तो ये आया, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या आने वाला है, देखते हैं, लेट अस सी। तो ठीक है, ये देख ही रहे हैं, और यहाँ पे लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, ओके। लेकिन जब ये है तो क्या हम यहाँ से ये बात नहीं लिख सकते थे कि आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, ओके? जब आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो वी कैन सी दैट यहाँ पे हम इसको एल स्क्वायर को नेगलिजिबल लेंगे, राइट? हम क्या लेंगे, एल स्क्वायर को नेगलिजिबल मान लेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं क्या होगा, ओके। सो देखते हैं कि वी वन वी टू की हमने वैल्यू लिख ली है, आइए देखते हैं क्या होगा, देन हम देखेंगे क्या होने वाला है। के क्यू तो लिखना ही लिखना है, कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो आर प्लस एल माइनस में है, लेकिन ये बातें ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत कैलकुलेशन हो जाएगी और आप भी परेशान होंगे, राइट? अब देखते हैं यहाँ से क्या आने वाला है, ओके, लेट अस सी। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आर, अब बाहर माइनस आर, ये दोनों कट गए, ठीक, बचा क्या, देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है वी नेट का, जो रिजल्ट आने वाला है वो देखते हैं, के क्यू इन ब्रैकेट टू एल अपॉन, यहाँ पे देखिए जब आप एल स्क्वायर नेगलिजिबल हो जाएगा क्योंकि ये काफी बड़ा है, तो एल स्क्वायर नेगलिजिबल लेने के बाद हमारा ये रिजल्ट आ जाता है। आपको पता होगा और जानकारी भी होगी, दिस इज नन अदर बट पी मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो अपना रिजल्ट क्या आया, आइए उसे फाइनली लिखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ओके। मैं रब कर देता हूँ इधर, आप नोट डाउन भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप कर सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, एट एक्सियल पोजीशन जो वी नेट हमने प्राप्त किया, ठीक है, किसी भी डेरिवेशन को आप सवाल की तरह हमेशा ट्रीट करिए, किसी जब आप सवालों की तरह ट्रीट करेंगे ना
तो आपको ये सारी चीज जितनी भी चीजें दी रखी है ना सब के सब इजी लगने वाली है। तो आइए देखते हैं जो हमने वीनेट प्राप्त किया है, जो हमने वीनेट देखा है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो के पी अपॉन का आर स्क्वायर, राइट है। इन बातों को याद रखिए और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, मैं ग्राफ बनाने की भी बात करूं, अगर ग्राफ बनाने की बात करूं भी और आर के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, आर स्क्वायर का तो इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो ऐसे आप एक चीज और देखिए कि जब बिंदु आवेश के द्वारा बात कर रहे थे, जब हम बिंदु आवेश के द्वारा बात कर रहे थे तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहां पे क्या रहता था बिंदु आवेश के द्वारा, वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके फ्रेंड्स, सो पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के सब कुछ पढ़िए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एंड मन लगा के पढ़िए जो भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो अवश्य आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, डीडी पर्सन को सेंड कीजिए, और अगर को आपको कोई डाउट है तो उसे मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, और व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आप सवाल भेजते हैं तो हम अवश्य ही आपके लिए वीडियो फॉर्म करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ओके, बाय बाय, थैंक यू।